छठ जैसे महापर्व के दिन बिहार में एक ऐसी घटना घटी जो पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया और पूरे बिहार को शर्मसार भी कर दिया। जी हाँ, आप जो स्क्रीन पर यह फोटो देख रहे हैं, यह फोटो एक दंपति की है, यानी कि पति पत्नी की है। छठ के दिन पति ने अपनी पत्नी के परिवार के 6 लोगों को गोली मार दी, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और पटना में भर्ती हैं। क्या है पूरा मामला आपको हम बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आजकल हम लोग बहुत ज्यादा यह देख रहे हैं कि पति पत्नी को मार देता है, पत्नी पत्नी को मार देती है, या फिर बाप बेटी को मार देता है, या फिर माँ बेटे को मार देती है, या फिर बेटा माँ को मार देता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आज हमारे इस आधुनिक युग में, जहां हम अपने आप को सो कॉल्ड मॉडल दिखाते हैं, इस मॉडल युग में कोई भी रिश्ता आज सुरक्षित नहीं रह गया है। जहां आप देखते हैं कि दूर से दूर का रिश्ता जो है वो सुरक्षित नहीं है, वहीं नजदीक से नजदीक का जो रिश्ता है, माँ बाप का या बेटा बेटी का, या फिर जो है भाई बहन का, चाचा भतीजी का, मामा भगिना का, मामा भगनी का, ऐसे सारे रिश्ते जो है वह कहीं भी कोई भी रिश्ता जो है वह सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि आजकल के इस युग में ऐसा रिश्ता सुरक्षित नहीं है। सबसे इसका बड़ा कारण है मोबाइल। जी हाँ, जब से हमारे जिंदगी में मोबाइल आया है, तब से हम अपने आप को सो कॉल्ड मॉडल दिखाते हैं, और मॉडल दिखाने के चक्कर में हम इतना फ्रैंक हो जाते हैं किसी के साथ कि अगर हम किसी अजनबी के साथ भी अगर 2 मिनट के लिए मिलते हैं तो हम तुरंत उसके साथ अपना मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। और मोबाइल नंबर एक्सचेंज करने के बाद आप जानते ही हैं कि व्हाट्सएप पर चैटिंग, फेसबुक पर चैटिंग, इंस्टाग्राम पर चैटिंग, बहुत सारे विकल्प हमारे सामने खुल जाते हैं, जिसके चक्कर में हम नए रिश्ते को अहमियत देने लगते हैं और जो हमारा पुराना रिश्ता होता है उसको हम भूल जाते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हम इस आधुनिक युग में अपने आप को ऐसा क्यों बनाते जा रहे हैं जहां हम पुराने रिश्तों का वैल्यू न देकर जो नए रिश्ते होते हैं उसको सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं। जो कि रिश्ता भी केवल एक दिन पुराना ही क्यों ना हो, हम उस रिश्ते को इतना अहमियत देते हैं कि अपने जो पुराने रिश्ते होते हैं, जो माँ बाप का रिश्ता होता है, जो हमारा भाई होता है, जो हमारे पुराने दोस्त होते हैं, उनको हम भूल जाते हैं और नए रिश्ते में हम खो जाते हैं। हम यह परिणाम नहीं सोचते कि वह जो नया रिश्ता है वह केवल एक दिन पुराना है, ना हम उसको अच्छे से जानते हैं, ना वो हमको अच्छे से जानता है, और हम पूरा अपना शरीर या फिर पूरा अपना मन उस नए रिश्ते को समर्पित कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है पटना में, जो आप छठ के दिन जो घटना हुई है जिसके बारे में आपको बात कर रहा था, ऐसा ही कुछ हुआ है। और यही कारण है कि एक पति ने अपने पत्नी के परिवार के 6 लोगों को गोली मार दी। क्या है पूरा मामला, आइए आपको हम बताते हैं। तो बात यह है कि एक लड़का जिसका नाम था अजीत चौधरी और एक लड़की जिसका नाम था दुर्गा झा, दोनों को आपस में प्रेम हो जाता है। अब ये प्रेम शब्द सुनकर आपके मन में भी लड्डू फूट रहे होंगे, क्योंकि आजकल तो आम बात है प्रेम होना, क्योंकि आजकल प्रेम तो हर एक घंटे में होता है। आप अगर रेलवे स्टेशन पे हैं तो आपको किसी लड़की को देखकर प्रेम हो जाएगा, किसी लड़के को देखकर प्रेम हो जाएगा, फिर आप अपने गली के मोहल्ले में जाएंगे तो वहां पर किसी दूसरे को देखकर आपको प्रेम हो जाएगा, फिर आप कहीं घूमने जाते हैं तो वहां किसी तीसरे को देखकर आपको प्रेम हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ये प्रेम जो है वह तुरंत तुरंत आजकल घटित हो रहा है। आपको किसी के साथ भी तुरंत प्रेम हो जाता है, वो भी सच्चा वाला प्रेम हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ मामला इस पटना वाले घटना में देखने को मिल रहा है। जो अजीत चौधरी और जो ये दुर्गा झा है, इन दोनों में प्रेम प्रसंग होता है, दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, और प्रेम होने के बाद ये दोनों यह निर्णय लेते हैं कि ये दोनों शादी करेंगे, और बहुत मान मनोवर करने के बाद दोनों के परिवार वाले भी मान जाते हैं और दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी करवाने के बाद दुर्गा झा जो होती है वह अजीत चौधरी से बोलती है कि मुझे पढ़ाई करने का मन है, मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ और मैं कुछ करना चाहती हूँ। अजीत चौधरी उसका सपोर्ट करता है। सपोर्ट करने के क्रम में वह अपने हिस्से की जितनी भी जमीन जायदाद होती है उसको बेचकर और दुर्गा झा को पढ़ाता है, पटना में एक अच्छे कोचिंग में, अच्छे इंस्टीट्यूट में उसका नाम लिखवाता है, और सारी फीस वो अपना सारा संपत्ति बेचकर पूरा पैसा खर्च करके वह फीस पेड करता है। अब दुर्गा झा जो है वह कड़ी मेहनत करती है और पढ़ लिख कर एक कॉर्पोरेट ऑफिस में अपना जॉब ले लेती है। जॉब लेने के बाद जो होता है, दुर्गा झा का जो व्यवहार है वह अजीत चौधरी के प्रति बदल जाता है, यानी आए दिन दोनों में नोक झोंक होने लगती है और लड़ाई होने लगती है। लड़ाई होने का कारण क्या था तो मैं आपको बता दूं कि दुर्गा झा जिस कॉर्पोरेट कंपनी में काम करती है वहां पर उसको किसी दूसरे लड़के के साथ प्रेम हो जाता है, और यह बात अजीत चौधरी को मालूम हो जाती है।
अवधि चौधरी यह देखकर बहुत ही गुस्सा होता है कि जिस लड़की के लिए मैंने अपना पूरा संपत्ति बेच दिया, मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, आज वो लड़की मेरी न होकर किसी और के साथ प्रेम प्रसंग कर रही है। अवधि चौधरी गुस्सा हो जाता है और इतना गुस्सा हो जाता है, इतना मानसिक पतित हो जाता है कि वह यह निर्णय लेता है कि वह दुर्गा झा को सबक सिखाएगा। सबक सिखाने के क्रम में ही उसका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ता है कि वह छठ के दिन जाता है और दुर्गा झा के परिवार के 6 लोगों पर गोली बरसा देता है, जिसमें दुर्गा झा और उसके 2 भाई की मृत्यु हो जाती है और दुर्गा झा की भाभी जो होती हैं और जो 2 लड़के होते हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक मनुष्य जो किसी दूसरे के लिए अपना पूरा संपत्ति बेच देता है, पूरा अपना जीवन बर्बाद कर देता है, अगर उसको मालूम चले कि उसकी पत्नी उसको धोखा दे रही है किसी तीसरे के लिए, जो कि रिश्ता अभी नया नया बना हुआ है, वो सारे पुराने रिश्ते को भूल जाती है, तो मनुष्य क्या करेगा। अजीत चौधरी ने दुर्गा झा के घर के कुछ दूरी पर एक डायरी फेंकी थी। उस डायरी में 15 पन्नों में पूरा अपना चिट्ठा उसने लिख कर रख दिया था अजीत चौधरी ने, कि कैसे दुर्गा झा उसको धोखा दे रही थी, या कैसे उसने दुर्गा झा के लिए अपना पूरा जीवन सेक्रीफाई कर दिया, कैसे उसने अपना पूरा संपत्ति बेचकर दुर्गा झा को पढ़ाया था, और कैसे दुर्गा झा जो है वह किसी दूसरे मर्द के साथ अब रासलीला कर रही थी। ये सारा चिट्ठा जो है उसने अजीत चौधरी ने अपने पूरे डायरी में 15 पन्नों में लिख कर और फेंक दिया था, जो पुलिस के हाथों लगी है। आइए आपको हम डीएसपी जी का बयान भी सुनाते हैं, जो डीएसपी ने पूरा बयान दिया है इस मामले में कि कैसे कैसे क्या घटना घटित हुई थी। और यह घटना सुनने के बाद आप अपने आप से प्रश्न कीजिएगा कि अभी आप जिस रिलेशन में हैं वह रिलेशन आपके लिए कितना सुरक्षित है और आप कितना ईमानदार हैं उस रिलेशन के लिए। क्योंकि अगर हम यह सोचेंगे कि हम किसी दूसरे को सुधार दें तो यह इम्पॉसिबल है। सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा। जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, जब तक हम खुद ईमानदार नहीं बनेंगे, तब तक हम सामने वाले से उपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि सामने वाला भी हमारे लिए उतना ही ईमानदार हो। तो दूसरे को सुधारने से अच्छा है कि हम अपने आप को सुधारें, और अपने आप को जब सुधार लेंगे तो पूरा हमारा समाज सुधर जाएगा। तो दुर्गा झा और अजीत चौधरी के कहानी से आपको भी सीख लेनी चाहिए कि किसी पर भी आप भरोसा आजकल के इस आधुनिक युग में करने लायक नहीं है। आप सोचते हैं कि आप किसी के लिए अपनी जान दे दें और वो व्यक्ति आपके लिए ईमानदार रहेगा, तो ये आपकी भूल है। आप किसी से भी अपना पूरा जी जान लगाकर दिल ना लगाइए या फिर उसके पूरे आप न हो जाइए। आप अपने लिए भी एक विकल्प रखिए ताकि आप अपने लिए भी भविष्य में कुछ कर पाए। तो आइए सुनते हैं डीएसपी का जो जवाब है वो क्या वो बता रहे हैं, पूरी घटना को अपने शब्दों में कैसे बयां कर रहे हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि जो अजीत चौधरी ने किया क्या वो सही था, या फिर जो दुर्गा झा ने किया वो सही था। तो कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका जो सोच है वो बहुत मायने रखता है हमारे इस समाज को आगे निर्माण करने में, कि कैसा हमारा समाज बनना चाहिए। आइए सुनते हैं वीडियो और मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आप देखते रहिए। कल ये घटना घटी है कि आशीष चौधरी ने छठ पर्व की समाप्ति के उपरांत सुबह करीब 7:30-8 बजे छठ घाट से अर्घ दे के लौटने के बाद ये गोलीबारी की घटना दुर्गा झा के घर के समीप की गई है। इस गोलीबारी की घटना में कुल 6 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें अभी तक दुर्गा झा लड़की का देहांत कल पटना में हुआ है और उसके जो 2 भाई थे चंदन झा और राजनंदन झा, इनकी घटना सतत मृत्यु हो गई थी। कुल 3 लोग अभी तक इसमें मृत हो गए हैं। बाकी जो 3 लोग हैं, दुर्गा झा लड़की के पिता शशिभूषण झा और उसकी भाभी लवली झा, जो कि राजनंदन झा उसके मृत भाई की पत्नी है, और उसकी एक और बहन प्रीति झा, ये अभी जख्मी का इलाज पटना में चल रहा है। पूरे घटनाक्रम के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि इन दोनों के बीच, आशीष चौधरी और दुर्गा झा के बीच, काफी पहले से प्रेम संबंध था और इन लोगों ने शादी भी कर ली थी। कहीं ना कहीं उनके परिवार के दोनों की रजामंदी भी थी। जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं इसमें लड़के के परिवार वाले भी हैं और लड़की के परिवार वाले भी हैं, लेकिन किसी कारण से फिर अनबन हुआ इन दोनों में, जिसके फलस्वरूप ये घटना घटी है। और उनके घर से, घटनास्थल के पास से एक नोटबुक प्राप्त हुआ है। नोटबुक में करीब 15 पृष्ठों में आशीष चौधरी ने काफी डिटेल से अपने और दुर्गा झा के बीच हुए पूरे संबंध का चर्चा किया है और उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि काफी मानसिक पारित होने के बाद ही उसने ऐसा कदम उठाया है। दुर्गा झा
के लिए उसने उसको कोचिंग में रख के पटना में पढ़ाया, नाला रोड में उसका भी जिक्र उस डायरी में आप लोग देखेंगे, और हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल में रख के कोचिंग करवाया बैंकिंग के लिए। अपना हिस्से की जमीन उसने बेच दी अपने भाई के नाम से, उस पैसे से उस दुर्गा झा को पटना में रह के पढ़ाया और सारा पैसा खत्म कर दिया। और इसके बाद वो लड़की को कैसे दुराव उससे हुआ, इसकी जिक्र भी उस डायरी में है। और उसके परिवार वाले ने फिर बाद में उसको तनिष्क का एक शोरूम है हथुआ मार्केट में पटना में, वहां सेल्समैन के रूप में उस लड़की को रखा। और इस डायरी में जो अंकित है कि लड़की वहां जब काम कर रही थी दुर्गा झा, तो वहां फिर किसी और लड़के से उसका अंतरंग संबंध हो गया है। और इसकी जानकारी जब आशीष चौधरी को हो गई है तो इसके बाद उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। और इसमें जो उसने अपना 15 पृष्ठों में जो बयान दर्ज किया है अपना, इसमें इसने उल्लेख किया है कि कई काफी सोच विचार करने के बाद, काफी मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के बाद ये घटना उसने की।